पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था, जितने भी थाना क्षेत्रों में गुंडा और निगरानी बदमाश है उन सबको बुला करके उनसे पूछताछ की जाए, उनकी परेड कराई जाए। तो उसी निर्देश के अनुसार में हम लोगों के द्वारा जितने भी गुंडा निगरानी बदमाश है थाना क्षेत्र में उन सभी को बुलाया गया, उन सबसे उनकी जो भी गतिविधियां हैं उनके संबंध में पूछताछ की गई। साथ ही यह निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं पाए जाए, इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी शिकायत या आमजन से कैसी भी प्राप्त होती है तो उन पर बिल्कुल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शहर में 36 थाने हैं, अप्रोक्स कितने इस तरह के गुंडे बदमाश होंगे जिनको राउंड अप किया है? वो अब शाम तक में हम लोग जो भी डाटा कलेक्ट कर लेंगे, एग्जैक्ट डाटा भी मेरी जानकारी में है नहीं। चुनाव में किसी तरह की संवेदनशील केंद्रों में भी दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी बिल्कुल इस संबंध छोड़ दिया जाएगा या फिर नहीं? इन पर हमारे द्वारा सतत निगाह रखी जाएगी पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी, और बिल्कुल निष्पक्ष निर्भीक चुनाव कराने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा भी स्ट्रांग पूरी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं सभी केंद्रों में भी, और सतत रूप से सारी पेट्रोलिंग पार्टियां भी विजिट कर रही हैं। इन्हें भी इस संबंध में हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार की ऐसी चुनावी गतिविधियों में किसी प्रकार की आपराधिक कोई भी संलिप्तता इनकी नहीं पाई जाए, और इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।